कुमार अत्री और आज का हमारा फिफ्थ लेक्चर है वेब डिजाइन कंसेप्ट का। तो वेब डिजाइन कंसेप्ट में पहले हम क्या पढ़ चुके थे, वेब ऑथराइज टूल्स, मींस कि हम जो सॉफ्टवेयर वेब डिजाइन करते हैं तो उसमें क्या क्या टूल यूज होते हैं। ये था हमारा फोर्थ लेक्चर जिसमें हमने वेब ऑथराइज टूल को स्टडी किया था। तो ये थे मींस कि हम वेब डिजाइन करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या टूल रिक्वायर होते हैं, किस किस पर्पज के लिए और क्या क्या चीज हमें मोस्टली उसमें रहता है। वेब का लेआउट बनाना हो, ग्राफिक्स एडिटिंग करनी हो, टेम्पलेट करना चाहिए हो, तो वो उस चीज के लिए हमारे टूल्स रिक्वायर रहते थे। तो अब हमारे पास है वेब ऑथराइज सॉफ्टवेयर, मीन्स वेब को ऑथराइज करने के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है होती है। तो वेब ऑथराइज पैकेज इज स्पेशली डिजाइन टू अलाउ यू टू क्रिएट वेब पेजेस। तो ये हमारा जो वेब ऑथराइज पैकेज है स्पेशली मीन्स किसके लिए होता है कि अलाउ करता है इसको क्रिएट वेब पेजेस एंड वेबसाइट्स को। तो हमने अगर वेब पेजेस बनाने हैं, वेब पेजेस होते हैं जो एक एक पेज इंडिविजुअल पेज बनते हैं, फिर वेब पेजेस को कलेक्ट करके हमारी वेब पेजेस बनती हैं। मीन्स हम पहले जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर डिजाइन किया तो उसका रिलेटेड मटेरियल है, मैं जस्ट मैं एक एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ। फिर हम यहाँ पे इस समय फिफ्थ लेक्चर में पहुंचे, तो एक एक पेज को जैसे हम डिजाइन कर रहे हैं वैसे ही हमारी वेब पेजेस में एचटीएमएल जो भी लैंग्वेज यूज करेंगे उसके अंदर डिजाइन करते हैं। तो उन पेजों को जब हम इंडिविजुअल डिजाइन करते हैं जिस पर्टिकुलर टॉपिक को बना रहे हैं, तो बनाने के बाद उसको हम क्या करते हैं, उन टॉपिक्स को कलेक्ट करते हैं। मीन्स उनको सबको कलेक्ट करने के बाद वो एक काफी ज्यादा नंबर ऑफ वेब पेजेस कलेक्ट होते हैं, फिर जाके हमारी एक वेबसाइट बनती है। तो वेब पेजेस और वेबसाइट में डिफरेंस ये है। तो इसमें हमारे पास वेब पेजेस बनाने के लिए कौन कौन सी वेब पेज वेबसाइट को हेल्प करने के लिए कौन कौन से ऑथराइज सॉफ्टवेयर है, वेब ऑथराइज सॉफ्टवेयर। तो ये हमारे पास है ड्रीम वेवर्स एंड माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज। तो ये हमारे इन सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है जो वेब ऑथराइज को वेब ऑथराइज सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए। तो नेक्स्ट हमारे पास ये है कंपोजर। तो कंपोजर क्या होता है, कंपोजर इज अ कंप्लीट वेब ऑथराइज सिस्टम, मतलब एक पूरा कंप्लीट वेब डिजाइन का सिस्टम होता है दैट कंबाइन वेब फाइल मैनेजमेंट एंड इजी टू यूजिंग वेइंग्स। मींस कहने का मतलब है कि एक कंपोजर ऐसा सिस्टम है, मींस सॉफ्टवेयर है जो इजीली से क्या करता है हमारे वेब को डिजाइन करके मैनेजमेंट करवा के फिर उनको कंबाइन करवाता है अनदर वेइंग्स के। वेइंग्स का मतलब होता है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, ठीक है। तो ये क्या कहता है, वेब पेज एडिटिंग के अंदर होता है, नहीं उसमें वेब पेजिंग एडिटिंग करके हमने क्या क्या उसमें देखना चाहते हैं, क्या क्या आउटपुट हमें क्या बनाया और क्या उसको उसमें दिखे हमें, तो वो चीज हम उसमें कर सकते हैं। फिर उसके विद कंपोजर न्यू कॉमर्स विल क्विकली एंड इजली बी अवेलेबल टू प्रोड्यूस न्यू वेब पेजेस। तो हमारे पास मीन्स हम इसको कंपोजर को यूज करते हैं, तो जो न्यू यूजर होते हैं, मीन्स कहने का होता है न्यू जो वेब डिजाइनर होते हैं उनके लिए इजिली हेल्प मिलती है, वो इजिली से उसको बना सकते हैं वेब पेजेस को, अलग अलग जितने ज्यादा पेज बनाने और वो काफी हेल्पफुल होते हैं न्यू यूजर के लिए। मीन्स की कोई भी नया जो लैंग्वेज को अच्छे से जानता ना हो तो उसको अगर वो उसकी हेल्प लेना चाहेगा तो वो उसको काफी ज्यादा उसको उससे डिजाइन कर पाएगा। तो ये था कंपोजर, तो कंपोज करना उसके लिए इजिली होगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फ्रंट पेज। फ्रंट पेज क्या है कि कभी भी किसी चीज को डिजाइन करना है तो हमारा फ्रंट कौन सा पेज यूज होता है कि जिसके थ्रू हम उसको टाइप कर सकें, मीन्स कि उसको वर्क कर सकें। तो कहने का मतलब इन सिंपल वर्ड में है कि फ्रंट पेज माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम, मोस्ट फ्रंट पेज क्या हमारा एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रोग्राम होता है टू क्रिएट एंड एडिट एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स। तो जो हम उसको क्रिएट और एडिट करते हैं जिसे एचटीएमएल टाइप करते हैं, तो हम जब भी एचटीएमएल प्रोग्रामिंग यूज करते हैं तो हमारा उसमें क्या रहता है, तो उसके लिए हमें उस पेज को क्रिएट करने के लिए प्रोग्रामिंग को किस पे करेंगे, तो वो हमारी मोस्टली जो रहती है नोटपैड में रहती है, जो सिंपल वे में हम जो यूजली करते हैं मोस्टली, तो ऐसे उसके अलग अलग वर्जन भी हैं, तो वो हम उसके थ्रू हम उसको अलो कर सकते हैं। मे बी फर्स्टली हम उसमें टाइप करेंगे, फिर उसके बाद उसको वहाँ पे सेव करवाएंगे, सेव करवाने के लिए एक्सटेंशन देंगे, तो एक्सटेंशन होकर हमारा सेव हो गया। फाइनली सेव होने के बाद हम क्या करते हैं, उसको ब्राउज करवाते हैं थ्रू ब्राउजर के, तो अलग अलग टाइप के जो ब्राउजर है उनका यूज करके हम उसको ब्राउज करते हैं, फिर हमारा फाइनली आउटपुट फॉर्म में आउटपुट मिलता है अगर हमारा प्रोग्राम एक्यूरेट है। तो यही कह रहा है, इट कैन बी यू टू क्रिएट अ लार्ज कम्प्लेक्स वेबसाइट्स फ्रंट पेज अलो यू टू एफ टी पी और पब्लिश यूर साइट थ्रू
फ्रंट पेज। तो हमारे पास क्या कहने का मतलब है कि ये कह रहा है कि इट कैन बी यूज टू क्रिएट लार्ज कम्प्लेक्स, हमारी काफी ज्यादा लार्ज और कम्प्लेक्स वेबसाइट हो उसके लिए फ्रंट पेज अलो करेगा यू टू एफ टी पी, मेरी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो यूज होते हैं तो पब्लिश करने के यूज साइट थ्रू द फ्रंट पेज। तो हम इनकी फ्रंट पेज की हेल्प से उसको जो है पब्लिश करने के लिए इनका यूज करते हैं। तो दिस सेक्शन ऑफ द मैनुअली वर्क सॉरी मैनुअली विल टेक यू थ्रू ऑल ऑफ द नेसेसरी स्टेप टू पब्लिश योर वेब डायरेक्टली फ्रॉम फ्रंट पेज। तो ये क्या करता है, फ्रंट पेज क्या होता है, डायरेक्टली हमारा किसी चीज को डिजाइन करने क्रिएट करने के बाद फिर उनको पब्लिश करने की जो हेल्प करवाता है डायरेक्टली हमारे थ्रू फ्रंट पेज, फ्रंट पेज की हेल्प से हम उसको डायरेक्टली पब्लिश कर सकते हैं और डिजाइन जो भी इसमें वर्क करना होगा मैनुअली उसमें हम वर्क कर सकेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है कंसेप्ट ऑफ गुड वेब पेजेस डिजाइनिंग टेक्निक्स। तो मीन्स कि अगर हम वेब पेज डिजाइन बना रहे हैं तो वेब पेज डिजाइन बनाने के लिए उसके क्या अच्छी टेक्निक है जिससे हम उसको अच्छी वे से उसमें गुड क्वालिटी ला सकें, अच्छी क्वालिटी ला सकें, वेब जो हमारा जो पेज हो अच्छा अट्रैक्टिव दिखे। तो मोस्टली आप जो जिन्होंने अभी प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं किया तो उनके से मैं थोड़ा सा उनको थोड़ा सा डाउट रहेगा तो मैं उनको फर्स्टली ये कहता हूँ कि आप जब भी अपनी कोई भी वेबसाइट में विजिट करते हो तो उसको देखना है, तो वो साइट जो बनी है जैसे कि जम्मू यूनिवर्सिटी की साइट हो गई, जो जो भी किसी यूनिवर्सिटी की साइट हो, जो इग्नू का यूजर है, तो अलग अलग टाइप की जो साइट्स हैं कोई भी वेबसाइट है तो उनमें विजिट करोगे तो उनमें जो अलग अलग हमारे एग्जामिनेशन ब्लॉग्स बना हुआ जो किसी एडमिशन का, तो वो अलग अलग जो चीज़ हम डिज़ाइन करते हैं तो वही हमारे छोटे छोटे जो है हमारे उसमें वेब पेज रहते हैं। तो उन्हीं को वेब पेज को हम जब जितने फंक्शन उसमें इंक्लूड होते हैं उनको हम इकट्ठा करते हैं तो हमारी वो क्या बनती है, पूरी कंप्लीट एक वेबसाइट बनती है। तो उसी की बात की कि उस वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या क्या यूज किया है। तो फर्स्ट कह रहा है कि पर्पस ऑफ गुड वेब पेज डिजाइन ऑलवेज कैट द नीड ऑफ द यूजर। तो हमारे हमेशा क्या रहती है कि ये हमारी यूजर की नीड के अकॉर्डिंग ही हम वेबसाइट को उतना इजीली और कस्टमाइज बनाते हैं कि यूजर जितनी जल्दी इसको अंडरस्टैंड कर सके। तो फर्स्ट हमारा है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के लिए हम यूज किया जाता है टाइप फेस के लिए, उसके बाद क्योंकि उसका हमारा जो वर्डिंग हो जो उसके वर्ड हो तो वो हमारे काफ़ी अच्छे अट्रैक्टिव हों जिससे यूजर्स से इजीली से पढ़ सके और इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सके। फिर कलर भी वैसा हो जिससे कलर से उसको अच्छा इफेक्ट मिल पाए, मीन्स की कहने को रीडेबल रहे। तो उसके बाद इमेजेस, जो इमेजेस का ज़्यादा यूज किया जाए जिससे इमेजेस से भी उसको काफ़ी ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर करे जिससे क्वालिटी भी उसमें अच्छी है और डिज़ाइन भी अच्छा स्टाइल भी अच्छा दिखे। तो नेविगेट मीन्स की उसकी नेविगेट मीन्स एक दूसरे उसका प्रॉपर जो हमारा फंक्शन है उसके अंदर फंक्शनलिटी है टूल्स हैं वो वर्क कर पाए प्रॉपर और जो इजिली एक के एक के अंदर उसको स्टेप बाय स्टेप वो फॉलो कर पाए, यानी कि कम्प्लेक्स वेबसाइट हो जो उसको अंडरस्टैंड करना ही डिफिकल्ट हो। उसके बाद जो हमारा क्या होना चाहिए, ग्रिड बेस लेआउट होना चाहिए। तो ग्रिड में क्या होता है कि जैसे कि आपको पहले बताया होगा जो हम क्या करते हैं उसमें पूरी लाइंस वगैरह हमारी शो होती हैं ग्रिड में, जैसे कि जस्ट लाइक मैं यहाँ पे एक डेमो दिखा देता हूँ। ग्रिड में हम जाते हैं व्यू में और यहाँ से एक इन ग्रिड लाइंस का यूज कर देते हैं, तो ये हमारा ग्रिड वे हो गया मीन्स ग्रिड लाइन में जो हम उसको डिजाइन करना हो। तो इसको मैं थोड़ा हटा लेता हूँ। तो नेक्स्ट उसके बाद क्या हमारे पास एफ पैटर्न डिजाइन। तो हमारी हमेशा जो वेबसाइट होनी चाहिए एफ पैटर्न डिजाइन में, मान लो कि मैं यहाँ से ये ले रहा हूँ, ये आ गया हमारा फर्स्ट जो एफ के एफ बनाते हैं जैसे सिंपली वर्ड, तो फिर इसके बाद ये हमारी यहाँ के लिए ये वर्ड ये लाइन आ रही है फर्स्ट, उसके बाद जहाँ से मैं अपना इसका कर्सर का यूज कर रहा हूँ, फिर इसके बाद ये वाली कंपोज वाली लाइन ले रही है, तो ये एफ शेप में बन रहा है। तो इस टाइप की हमारी जो वेबसाइट होनी चाहिए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, फिफ्थ लेक्चर, और इसी कारण हमारा जो वेब डिजाइन कंसेप्ट का जो टॉपिक था मींस कि उसमें जितना सिलेबस था सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा वो टॉपिक खत्म हो चुके हैं। और आज हमारा खत्म होने के बाद नेक्स्ट हम जो टॉपिक आएंगे तो वो आप ई कॉमर्स में आपका जो लेक्चर डिलीवर होगा। तो थैंक यू सो मच, और जो भी कोई प्रॉब्लम हो मैं डे टू डे वाइज अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर आपका कॉपरेट अच्छा रहना चाहिए जिस कारण मुझे बूस्ट मिलता रहे कि मैं अच्छे से अच्छी प्रोडक्टिविटी दे पाऊँ, मीन्स अच्छी अपनी क्वालिटी को आपके सामने आपको हेल्प करवाने के लिए दे पाऊँ। तो थैंक यू सो मच।